diya da दूसरा वर्षन जो Yeah.
Yeah.
Oh, my God.
garib sobai marata ganada garib da Oh,
Thank you.
vaam jag rahe se ghar ke log vaam sagir biya dar dadiya he Yeah.
Oh.
कल्याण ये कल्याण शैली का सुंदर तथा लोकप्रिय राग है। आनंद कल्याण को आनंदी और नंद भी कहते हैं। इस राग में कल्याण अंग के कुछ टुकड़े यानी फ्रेजेस अलग अलग स्थान पर इस प्रकार लिए जाते हैं। पारेसा, ये लगभग कल्याण के जितने प्रकार हैं सभी में आता है। अनंत कल्याण में पारेसा, द पम, ये भी एक टुकड़ा आता है। पदनी दो दो स्वरों के, तीन तीन स्वरों के, चार पांच स्वरों के, ये अलग किस्म के टुकड़े आते हैं। इन्हीं फ्रेजेस से कल्याण का ये प्रकार यानी आनंदी कल्याण के दूसरे प्रकारों से डिफर करता है। राग आनंद कल्याण का चलन जो वक्र अंग या चाल से है इस प्रकार है। इन्हीं स्वरों को अगर सीधा गाया जाए, बरता जाए, जैसे सा गा मा पा ध नी सा, तो ये एक अलग ही स्वरूप बन जाता है, लेकिन आनंद कल्याण नहीं बनता। इसलिए ये वक्र अंग बरता जाता है और उसमें उसका एक स्वरूप बनता है, एक मूड बनता है। राग का पूरा चलन सा गा मे सा नि सा गा मा पा ध नि सा ध म प ग ग म ध प रे सा पासा पनी सा बदनी सा स ग पद नी पद म प ग स ग म ध प ज स। इस राग के वादी संवादी के विषय में ये है के आरोह में शुद्ध मध्यम पर अधिक जोर है, जैसे पानी सागम, लेकिन इसके बाद ही
पंचम का भी वही स्थान वही जोर है, जैसे पानी सा ग म प। अवरोही में पहले पंचम और बाद में सरस पर ठहराव है, यही जोर है। इससे यही कहा जा सकता है कि आनंद कल्याण में वादी सरस, संवादी पंचम और अनुवादी शुद्ध मध्यम है, क्योंकि इन तीन स्वरों पर जो जोर है वो नंबर वाइज है, पहले सरस, फिर मध्यम और अंत में पंचम। यही वादी, संवादी और अनुवादी विस्तार में इस प्रकार आएंगे। ग म द प र स, वादी सुर सरज, प म ब र स आ, सा पे विशेष आते हैं और एक ठहराव के साथ आना पड़ता है, ये नहीं कि सिर्फ सा छू लिया आ, ऐसे नहीं आ, उसके बाद मध्यम फिर पंचम मध्यम, इतना पूरा लगाया जाता है, यही मालूम होता है कि यही संवादी है, लेकिन उसके बाद पंचम आ जाता है और उससे ज्यादा उस पर ठहराव है, तो इसका तीसरा नंबर आता है मध्यम का। तीव्र मध्यम की भूमिका भी इस राग में वही है, कहीं कहीं है, जैसे यानी कण बतौर, कहीं पूरा भी आता है पदा, पंचम का कण लगा के ये थोड़ा रागदारी का चर्चा मैंने आनंद कल्याण का किया। इससे भी विशेष जो राग पाया जाता है वो बंदिशों में होता है। एक बंदिश दरस पिया की बिलंपत एकताल में पेश कर रहा हूं, जिसके बोल हैं बारे सैया तोहे सकल बन बन ढूंढूं ए बारे सैया। अंतरा है बिदना तिहारी को ना जाने देव धरस मोहे अब तो प्यारे। अंतरे के दो वर्षन हैं, बिदना तो है बिदना तिहारी को ना जानत हूं, पहले वर्षन में सिर्फ जाने था, बिदना तिहारी को ना जानत हूं देव धरस मोहे अब तो प्यारे। इसी के बाद अपने गुरु पिता उस्ताद विलायत हुसैन खान साहब प्राण प्या की एक द्रुत रचना तीन ताल में पेश कर रहा हूं। अस्थाई के बोल हैं अज हूं ना आए शाम बहुत दिन बीते शाम। अंतरा पलकन डगर बुहारू और मग झारू जो आए प्राण मोरे धाम अज हूं ना आए शाम। इसी तरह अपने पारंपरिक संगीतज्ञ बुजुर्गों और अपने गुरु पिता और दूसरे महान जो खानदान में हुए हैं और बाहर के दूसरे घरानों के भी, सभी को मैं मानता हूं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं भी कंपोज करता हूं दर्पण के नाम से। ये रचना झपताल में है, बोल हैं जागे भाग करे आनंद अपने पियासों धन धन सुहाग। अंतरा सांवरी दर्पण सो लगन रचाए गाए आनंद राग। तो लीजिए ये तीन रचनाएं, पहली एकताल में, उसके बाद दूसरी तीन ताल में
और आखिर में झपताल की हालत।